नमस्कार। रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में उन युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिल रहा है, जिनके रास्ते में भाषा की दीवार खड़ी थी। साथियों, आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है,
जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले गुजरात के धोरडो गांव को, आपको पता होगा धोरडो कच्छ जिले में पाकिस्तान की सीमा पर का गांव है, इस धोरडो गांव को यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मानित किया है। इससे पहले कर्नाटका के होयसला मंदिरों और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे यहां पर्यटन की संभावना और अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावना कितनी बढ़ गई है। पहले पर्यटन बढ़ने का सीधा मतलब है कि वहां रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे, जिसका फायदा टूरिज्म का ही तो परिणाम है, जिसका फायदा आसपास के होटल, छोटे छोटे दुकानदार, बस चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, इवन टूरिस्ट गाइड के काम करने वाले, हर किसी को लाभ होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स क्षेत्र, ये ऐसे सेक्टर भी हैं जो रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल खेलों में हमारे खिलाड़ी ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उपलब्धियां हमारे देश के स्पोर्ट्स लैंडस्केप में भी बड़े बदलाव और विकास का संकेत है। और जब स्पोर्ट्स सेक्टर का विकास होता है तो सिर्फ बेहतर खिलाड़ी ही तैयार होते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इससे ट्रेनर्स, फिजियो, रेफरीज और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस जैसे अनेक नए अवसर तैयार होते हैं। साथियों, हम रोजगार देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, ऑटोमेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे नए सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। आज किसान ड्रोन्स का क्रॉप असेसमेंट और न्यूट्रिएंट के छिड़काव में उपयोग धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन्स का लैंड मैपिंग में उपयोग हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आईसीएमआर ने ड्रोन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह दवा पहुंचाई। इस काम में पहले 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन ड्रोन की मदद से ये 20, 25, 30 मिनट में ही, उससे भी कम समय में काम हो गया। ड्रोन्स ने बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है। इस क्षेत्र में हो रहे निवेश से युवाओं को नए तरह के ड्रोन्स की डिजाइनिंग में
मदद मिल रही है। मेरे परिवारजनों, इसी महीने हमने पूज्य बापू की जयंती भी मनाई है। गांधी जी ने चरखे को स्वदेशी और कर्मयोग के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। जो खादी अपनी चमक खो चुकी थी, उसकी चमक भी अब वापस लौट आई है। 10 साल पहले खादी की बिक्री 30,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, अब ये 1,25,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गई है। इससे खादी और ग्राम उद्योग सेक्टर में अनेक रोजगार के नए अवसर बने हैं। विशेषकर महिलाओं को इससे बहुत मदद मिली है। साथियों, हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनिज से संपन्न होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्र तट की ताकत होती है। लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारी युवा शक्ति। युवा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, देश उतना ज्यादा विकास करेगा। आज भारत अपने युवाओं को स्किलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहा है। भविष्य की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए देश में आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। देश में बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या ट्रिपल आईटी जैसे कौशल विकास संस्थान खोले गए हैं। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। हमारे देश में करोड़ों कारीगर अपने पारंपरिक व्यवसायों के माध्यम से आजीविका चलाते हैं। ऐसे विश्वकर्मा कारीगरों, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की गई है। आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा। कोई भी नई स्किल सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अपस्किल और रीस्किल किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है। मेरे परिवारजनों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको ऐसी सारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है, उन्हें जमीन पर लागू करना है। आज आप सभी राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर के हमसे जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप
अपने सपनों को आज पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप देशवासियों के सपनों की ओनरशिप ले रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी तत्परता से आपका सक्रिय प्रोएक्टिव योगदान बहुत जरूरी है। आई गॉट पोर्टल पर आप अपना ज्ञान भी बढ़ाते चलें, आपका हर कदम देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला पूरा समय, आज तो शरद पूर्णिमा है, आने वाला पूरा समय त्योहारों का समय है, आप जहां हो भले सरकारी काम में लगे हो, लेकिन वोकल फॉर लोकल इस मंत्र को हर जगह पर पहुंचाइए। आप अपने परिवारजनों को भी बताइए कि हम वोकल फॉर लोकल के लिए कमिटेड रहेंगे और वही रोजगार के नए अवसर देने का भी एक माध्यम है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।